शामली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 2:30 बजे शामली पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। तो वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि जागलान ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करीब दोपहर 2:30 बजे शामली में पहुंचेंगे। यहां पर आकर करीब 270 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। बात की जाए तो उनके आने से पहले प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेरे ठीक पीछे मंच बनाया गया है, इसी मंच के माध्यम से योगी यहां पर पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ठीक इसी के सामने हजारों की संख्या में कुर्सियां डाली गई है, करीब 8000 लोगों की बैठने की यहां पर व्यवस्था की गई है। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो करीब 550 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इसी के साथ साथ 5 कंपनी PSC की यहाँ पर लगाई गई है। ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो करीब 60 से ज़्यादा पुलिसकर्मी ट्रैफिक विभाग में तैनात यहां पर किए गए हैं। आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री ने शामली पहुंचकर शामली में PSC कैंप की स्थापना की घोषणा की थी, जिसको आज ये पूरा करने शामली में आ रहे हैं। देखने वाली बात है कि अब शामली की जनता को नया क्या देकर जाते हैं। शामली से दीपक के साथ रवि जागलान, R9 TV।